और प्रिया जी भी प्यारे श्याम सुंदर को चुंबन करना चाहते हैं, दोनों करना चाहते हैं लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। उसमें पूरा मुस्कान है, स्वामी जी स्वादन कर श्याम सुंदर के अपने मुख सुधा का दान करना चाहते हैं। ये प्रेम का जो तरंग है, जिस मुख पर वेणु गायन का माधुर्य है, मधुर मधुर जिस पर बजा रहे हैं, जिस पर नर्म परिहास है, पर स्वामी जी की आकांक्षा है कि मैं प्यारे श्याम सुंदर के उस अधर रस का चुंबन करूं। हरि ने सब संकोच प्रिया जी का हरण कर, देखिए ये महामंत्र की व्याख्या में गोपाल गुरु ने अर्थ किया है, लज्जा लोक लज्जा धैर्य आदि सर्वम हरती हरे तस् संबोधने ही हरे। प्यारे श्याम सुंदर जब प्रिया जी से मिलते हैं और उनके साथ मिलने में जो उनको लज्जा आती है, संकोच आती है, उसको प्रिया जी हरण करती है, इसीलिए उनका नाम हरा है और हरा के संबोधन में हरे रूप बनता है। महाजन इस रस का आस्वादन करते हैं। प्रेम ही एक उच्चतर अवस्था है जहाँ प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों एक हो जाते हैं। प्रणय उदय होने पर भेद बुद्धि का नाश हो जाता है, ना सो रमन और ना हम रमनी, दुहु मन मनोभव पेखल जानी, ये सखी से सब प्रेम का है ये कौन जानता है। विद्यापति जी तो कहते हैं कि इस रस का गान मैं करता हूँ लेकिन इसको समझेगा कौन, के विपरीत कथापति आयत कवि विद्यापति भाव। फिर भी भले कोई समझ में ना आवे लेकिन मैं तो इसको गाऊंगा। रसिक लोग संकोच छोड़ करके इस रस का स्वादन करते हैं। इसी को विश्रम प्रणय प्राण वस्तु, मिलन है, मिलन में भी थोड़ा सा संकोच थोड़ा सा विश्राम। जीव गोस्वामी पाद इस श्लोक के टीका में लिखते हैं कि विश्रम शब्द में विश्वास या संभ्रम राहित्य निहित, मिलने में भी अपना हाथ अपने, देखिए ये विश्रम है। प्रिया जी और प्यारे श्याम सुंदर देखने में दो हैं लेकिन दो नहीं एक, जैसे हमारा हाथ हमारा कहीं चला जाए तो इसमें संकोच होता है क्या कि शर्म आती, हमारा हाथ कहीं इधर से उधर चला जाए, तो उसी तरह प्रियालाल दो हरि में एक ही, लीला करने के लिए दो लीला स्वरूप, बिना संकोच के भी अपना हाथ फिराया जा सकता है। उसी तरह उसी प्रकार प्रणली भी श्याम के प्रत्येक अंग पर अपना हाथ फिराती है। ये सबके मूल भी यही है, प्रेम। स्वामी का भेग जैसा कृष्ण वर्ण है, देखिए प्रिया जी की सेवा, स्वामी का कैसा केस है तो भेग जैसा काला है, घन कुंचित है, घना है और कुंचित है, घुघराली है, खूब घूम रहा है। प्रिया जी का केस का सेवा प्यारे श्याम सुंदर कर, प्रिया जी आगे बैठी हैं और पीछे प्यारे श्याम सुंदर बैठे हैं, प्रिया जी के केस को अपने हाथ में लिए, देखिए केस से कितना प्यार करते हैं प्यारे श्याम सुंदर। श्री कृष्ण का जैसा रंग है वैसा है प्रिया जी का केस, ये कृष्ण बिल्कुल काले हैं, केस जैसे काले हैं कृष्ण, उस केस को अपने हाथ में लेते हैं। केस कैसा है तो कृष्ण वर्ण का है, काला है, घन है, खूब घना केस है और कुंचित है, खूब घुंघराला है और विपुल है, बहुत बड़ा है। हर पीछे बैठे हैं धीरे धीरे उसका संस्कार कर रहे हैं, एक एक केस को, एक एक केस को प्राण से भी अधिक प्यारा मानते हैं। सेवा बिना, देखिए प्रेम हो और सेवा ना हो, प्रेम हो और सेवा ना हो तो बेकार है, और खूब सेवा हो और प्रेम ना हो तो व्यर्थ है। जिसकी हम सेवा करते हैं तो सबसे पहले वहां प्रेम रहे, प्रेम हो तभी सेवा हो, और बिना प्रेम का जब सेवा होता है तो उसको स्वार्थी कहते हैं। जैसे नौकर अपने मालिक की सेवा करता है और मालिक से पैसा खींच खींच कर अपनी पत्नी को देता है, मालिक से कोई प्यार नहीं, इसीलिए काम करता है कि वो पैसा देता है, वो पैसा को कहां देता है, जहां प्रेम है वहां पैसा चला जाता है, यहां से। तो प्रेम हो और सेवा न हो,
तो बेकार है। कोई खूब किसी से प्यार कर रहा है और उसको बिल्कुल सेवा नहीं करता, तो प्यार किसी काम का नहीं, प्रेमी सेवा के बिना रह नहीं सकता। यदि हम लोगों को श्री कृष्ण से प्यार है, प्रेम है और कृष्ण की सेवा करना नहीं चाहते तो वो बेकार व्यर्थ, वैसा प्रेम से कोई मतलब नहीं। प्रेम होगा तो सेवा, माँ को अपने बेटा से प्यार होता है तो माँ सेवा के बिना नहीं रह सकती। पत्नी को अपने पति से प्यार होगा तो पति की सेवा करेगी। भाड़ा पर अब रसोईया नहीं रखेगी, भाड़ा पर जो पत्नी अपने पति के लिए रोटी के लिए बैठती है तो समझ जाने से उसको प्रेम नहीं। देखिए अब श्याम प्रेम क्या है, तो प्रेम की रीति रंगीलो ही जाने। प्रेम को श्याम सुंदर कह सकते हैं। प्रिया जी के केश को सेवा मिली है, घुमराली केस कैसे सेवा कर रहे हैं, एक एक केस कोटि प्राणों के समान श्याम सुंदर है, कहीं सतर्क है, कहीं एक पाद एक केस गिर न जाए, कितना सावधान। यही कारण है कि सेवा में प्राण उड़ेलना पड़ता है। प्रेमी झाड़ू लगाता है और भाड़ा पर झाड़ू लगाए, दोनों में अंतर है। प्रेमी जो झाड़ू लगाता है, प्रेमी सेवा करता है। प्रेम ना हो तो बर्तन साफ करने दीजिए, खान खान बाजे प्रेम, वो बर्तन में भगवत बुद्धि होना पड़ेगा। ये ठाकुर जी की पार्षद हम सेवा कर रहे हैं तो ये भी श्री कृष्ण नहीं है, भगवान के जितने वस्तु हैं ठाकुर जी है, ऐसी सेवा। देखिए प्रिया जी की सेवा मिली है प्यारे श्याम सुंदर की, और कितना लगन है, कितना चाव है, कितना प्यार है। एक एक केस को ठाकुर जी झाड़ रहे, संस्कार कर रहे। प्रेम वस्तु की सेवा पाकर आनंद की, हाँ अपने प्रेमी की सेवा मिल जाएगा, इससे बड़ा दुनिया में क्या वस्तु है। जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी सेवा मिल जाए, प्रिया जी की सेवा मिल गई है प्यारे श्याम सुंदर। आनंद पुलक से भर कर कांपते हाथ से केश का संस्कार करना, प्रियतम का स्पर्श पाकर के स्वामी के हृदय में स्वामी का अंग बिल्कुल पुलकित हो रहा है। श्याम सुंदर इधर गए, उनके स्पर्श पाकर के प्रिया जी का एक ही अंग रोमांच हो रहा है। व्यथा यह हो रही कि प्यारे हम जिसको प्राण से भी अधिक मानते हो पीछे के, वो हमारे आपके सामने आना चाहिए। पीछे से तो केश प्रसादन कर रहे हैं और स्वामी जी केवल स्पर्श पाकर के बिल्कुल पुलकित हो रही है, रोमांच हो रहे हैं। मन में चाह है कि स्वामी हमारे ठाकुर, हमारा मालिक पीछे बैठा है पीछे, तो तुरंत स्वामी हंस करके, किशोरी जी हंस करके तुलसी मंजरी को इशारा कर दिए। तुलसी मंजरी कौन है, तो प्रिया जी की मन है, वो समझ गए कि अभी किशोरी जी क्या चाहते हैं। तो उसी समय तुरंत तुलसी मंजरी एक दर्पण लेकर प्रिया जी दर्पण में देख रहे हैं, अपने मुख को नहीं देख रहे, देखिए प्रेमी अपना नहीं देख रहे, प्यारे श्याम सुंदर का मुखमंडल को देख रहे हैं। और प्यारे श्याम सुंदर उस दर्पण में प्रिया जी का भी प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो प्रिया जी का दर्शन श्याम सुंदर कर रहे हैं और प्रिया जी कर रही हैं श्याम सुंदर। ये देखिए प्रेम दशोत्सव, दो चकोर दो चंदन, हर बरात मिलवे को आतो मिले रहे मन कबो मिले ना, तू मुख चंद चकोर ए नैना। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, शुद्ध बुद्ध भूल गया है। देखिए उस समय मंजरियां ना रहे तो सेवा होगी, दोनों तो पागल, दोनों सेवा मिली है और सेवा करने की अब सामर्थ्य श्याम सुंदर का जा रहा है। नागराज नवराज किशोर प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी के केश को स्पर्श पाकर के व्याकुल हो रहे, हाथ कांप रहा है, अब कोई काम नहीं कर, सुनकर नागराज का आहा प्रिया जी की उस लीला को देख करके नागर प्यारी प्यारी के रूप मुख सुधा को पाम करके उनका हृदय हिल गया।
श्याम सुंदर के समय उसी समय मंजरी आती है, मंजरी आकर के प्यारी श्याम सुंदर की सहायता चालू कर देती है। केश संस्कार हो गया। अब केश संस्कार होने के बाद तुरंत सखी मंजरियां पुष्प लेकर आई हैं, विभिन्न प्रकार के पुष्प लाए, कुसुम पुष्ट गुंजा फल मयूर पुच्छ इत्यादि लाए हैं। श्याम स्वामी का चूड़ा बंधन कर उसमें नाना प्रकार के गुंजा माला मोर पंख इत्यादि लगाए हैं। पता नहीं अब मोर पंख का यहाँ पर है, मोर पंख चूड़ा में लगाते हैं कि नहीं, मैं तो कभी सुना नहीं। उसमें मोर पंख भी लगा रहे हैं, जो कि महाराष्ट्र में वर्णन है, तानि चूड़ यताम कांता, श्याम सुंदर प्रिया जी के केस में पुष्प रचना कर रहे हैं। नागर केस की रचना की परिपाटी देख करके तुलसी मन ही मन आनंदित हो रही है, आह्लादित हो रही है, मानो साक्षात आनंद नेत्र में मूर्तिमान होकर के खड़ा हो गया। ये मंजरियों का सुख। श्याम सुंदर यदि प्रिया जी की सेवा में आविष्ट हो जाते हैं, इसको देख करके मंजरियां अपने प्राण को निछावर कर देती है। यही तो आनंद में हो जाए, आनंद भोग में मन न होकर नेत्रों में ही हो रहा है, नेत्र से उस रस को दर्शन कर रही है, ऐसा अनुभव कर रही है। इस रस का ही स्मरण निष्ठ साधक अपने चित्त में उस रस का आस्वादन करते हैं। एक बार बैठ करके प्रिया लाल की जो सेवा की पद्धति है, सेवा का रस है, उसको साधक सुनकर श्रवण करके या चिंतन करके या उस रस में निमग्न होकर के जो सुख को प्राप्त कर लेता है, वैसा सुख दुनिया में कहीं मिल नहीं पाता ही नहीं। मुझे मूर्तिमान व्यक्त वैसा, वैसे भक्त को भगवत गीता में भगवान कहते हैं, वह भक्त मुझको सबसे प्यारा है ना, भागवत में कि जो न हिस्सती न दृष्टि न सोचती न कांक्षती, किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखता है, न किसी प्रकार का सोचता है, वो वैसे भक्त हमको बहुत प्यारा है। अब कृष्ण के भी भक्त से भी अधिक श्रेष्ठ है राधा रानी। भगवान का जो भजन करता है उससे भगवान उतना प्रसन्न नहीं होते जितना कोई प्रिया जी का भजन करता है, राधा रानी की आराधना करता है तो श्याम सुंदर बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं। एक महात्मा नंदगांव में भजन कर रहा था, ठाकुर जी दर्शन नहीं, उसको क्रोधित होकर कहा, इतना दिन तक भजन किया, न अनुभव हुआ, न दर्शन दिया, इस टेढ़े टांग वाले का भजन करके क्या मिलेगा, चलो बरसाना चलते। वो बरसाना जाने के लिए तैयार हो गए तो रास्ते में श्याम सुंदर आ गए। अरे कहाँ जा रहे हैं? अच्छा तो तुम इतना दिन भजन किया, न दर्शन दिया, न अनुभव किया, अब बरसाने जाने का नाम लिया तुम आ गया। ये ठाकुर जी की दयालुता है। प्रिया जी का यदि कोई नाम ले लेता है तो भगवान वशीभूत हो जाते। सत्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्ति तम राधिका चरण रेणु मन स्मराणि, तम राधिका चरण रेणु मन स्मराणि। हम अब किसी का स्मरण नहीं करें, बस राधा रानी के बरसाना का जो रज है उसी का स्मरण करें। कन्हैया के स्मरण से कोई फायदा नहीं। जो ब्रह्म रुद्र सुख नारद भीष्म मुख्यै रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्णमनंत शक्तिं तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। अब श्री कृष्ण के स्मरण करके क्या हो? हम तो यही कहा था तो बराह पुराण में, आदि पुराण में भगवान कहते हैं, जो कहता है कि मैं कृष्ण भक्त हूँ मेरा भगत नहीं, जो कहता है मैं भक्त का भक्त हूँ वही मेरा असली हूँ। तो जो कहता है कि हम राधा रानी का भक्त है वही कृष्ण का असली भक्त। तुलसी मंजरी भाव में बिल्कुल विभोर है, उस लीला को देख करके
यदि कोई भक्त कहता है तवई वास्मि तवई वास्मि न जीवामि त्वया बिना, भगवान उसको तुरंत पकड़ लेते हैं। जो कहता है कि हे प्रियाजू, हे किशोरी जू, मैं आपकी हूँ, मैं आपकी हूँ, मैं आपकी हूँ, आपके सिवा मैं किसी को जानते भी नहीं, इतना ये मंत्र है। ये मंत्र पढ़ते ही प्यारे श्याम सुंदर उसको पकड़ लेते हैं। हम हैं सखी किशोरी जी की, नाता मम परसाने से, तुहार मान ले बनवारी, बदनाम न हो जाए यारे। हम प्रिया जी का, इतना यदि कोई कहता है कि मैं प्रिया जी का हूँ, तो श्याम सुंदर पीछे पीछे चले जाते, और हमसे तो पार हो गया। प्रिया जी जिसको एक बार स्वीकार कर ले, तुलसी मंजरी आनंद में विघोर है उस रस की स्वर में, सहसा स्मृति विराम भाव हाहाकार विचार यही है दस। अर्ध विकसित नाना कुसुम निखर, अर्ध विकसित नाना कुसुम निखर, जो पुष्प अभी पूरा खिले नहीं है, अर्ध विकसित पुष्प है। नौ गुंज माला पिक्ष सिखी पुक्ष मनोहर, देखिए प्रिया जी की सेवा में उपयोगी वस्तु है, इसको मंजरियां लाती है। कौन सखी तहां लाए प्रफुल्ल अंतर, श्याम सुंदर जब प्रिया जी की छोड़ा गुथ रहे थे तो उस समय सखियां लेकर आ गई। आ प्रेमानंदे प्रेमानंदे पुलक विवश कलेवर, कृष्ण करे अविलंब करिवे अर्पण, सादरे लैया तहा ब्रजेंद्र नंदन। प्रिया जी का पुजारी कौन है? श्याम सुंदर, और कोई पूजा नहीं कर सकता। राधा रानी की सेवा श्याम सुंदर ही कर सकता, श्याम सुंदर के अतिरिक्त कोई नहीं। सारा जगत आराधना कृष्ण की करता है, और कृष्ण किसकी आराधना करते हैं? हम लोग कर नहीं सकते हैं। प्रिया जी का कौन सेवा कर सकता, अंतर्गृह की सेवा प्यारे श्याम सुंदर करते हैं। श्याम सुंदर क्या पूजा करते हैं? तो श्री राधार केश पास करी वे भूषित, श्याम सुंदर प्रिया जी के केश पास को भूषित करते हैं। आ कांता स्पर्श सुखे करे हरिव कंपित, प्रिया जी के अंग का स्पर्श पाकर के प्यारे श्याम सुंदर पुलकित हैं, और श्याम सुंदर के अंग को स्पर्श पाकर के प्रिया जी कंपित। ताहते उत्फुल्ल चित हैव श्री राधा, स्वामिनी से केश रचना चमत्कार, ऐसा केश रचना श्याम सुंदर कर रहे हैं। कतो दिन आमी हाय हेरी बो नयने, इस रस का स्वादन में कब करूंगी, जहां साक्षात प्रिया प्रियतम की ये लीला चल रही होगी। आनंद मगने, यही है यही भजन। महात्मा लोग क्या करते हैं? यही प्रिया जी के रूप गुण का चिंतन करते हैं, सेवा का चिंतन करते हैं, यही तो भजन, इसी को तो भजन करते हैं। बस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, भजन यही। इस रस में यदि नहीं है मन, तब क्या करे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इन लीला का स्मरण करना और हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक व्यक्ति पूछ रहा था कि केवल हरे कृष्ण करेंगे तो रोटी रोजी कैसे चलेगी,
तो कीर्तन करेंगे, भजन ही करेंगे, तो खाना पीना, समाज, संसार, ये सब जो बखेड़ा है संसार का, कैसे चले? आप लोग उत्तर दीजिए इसका, क्या करेंगे तब संसार कैसे चलेगा? हर किसान संसार चलेगा, चल रहा है, इसी चल रहा है। हरे कृष्णा ना हो तो संसार कहाँ बचेगा? फिर क्या हो गया? नाम पर करे भरोसा, सुंदर भोजन मिले तो अनन्या सिद्धि हम तो हुए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम। ये संसार में जो कुछ भी हो रहा है ये पहले से फिक्स है, हम कुछ नहीं करते, कोई कुछ नहीं करता है। ये शरीर हम लोगों को मिला तो उसी समय पांच चीज लिख दिया गया, कमाने से पैसा नहीं मिलता, तब करते क्यों है तो किए बिना रह नहीं सकता, वो भी लिखा है यही करना है। चुपचाप कह दीजिए तुम यही रोटी मिलेगा, चुपचाप रहो तो नहीं रह सकता, क्योंकि वो करना उस किए बिना नहीं रहता। एक बार भाई जी बनारस से गोरखपुर जा रहे हैं, तो रास्ते में एक मछली मारने वाला मछली मार के देखे ना, आपको बंसी डाल देते हैं, बंसी जानते हैं, बजाने वाला नहीं, काटा काटा जानते हैं ना। तो भाई जी को बड़ा कष्ट हुआ, उसके पास गए, कहे कि क्यों मछली मारते बाबू, हमारा जीवन का रोजगार यही है, नहीं करेंगे कितना दिन भर में कमा। तो कहा कि 100 रुपया, तो कहे कि चलो मैं तो उसको 200 रुपया लोन दूंगा, कोई काम नहीं करना, केवल बैठ कर कीर्तन करना, अखंड कीर्तन चलता है उसमें तुमका। तो गया वहां कीर्तन में बैठा दिया, एक दिन कीर्तन किया, दो दिन तीन दिन, कहा कहा कि इस राम रमाने से अच्छा तो वही काम, राम 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 राम। तो जो कीर्तन करना साधारण बात नहीं है, आप 24 घंटा काम कर सकते हैं, एक घंटा कीर्तन नहीं कर सकते। ऑफिस में आप बाहर जाकर के 8 घंटा ड्यूटी देंगे, 1 घंटा कह दीजिए नाम संकीर्तन कर नहीं करते। बड़े बड़े पंडितों को कह दीजिए 4 घंटा लेक्चर दे देगा, कह दीजिए 1 घंटा कीर्तन पर नहीं करता है। नाम संकीर्तन सबसे कठिन है, ब्रज में कहते हैं राम रगड़ा सबसे तगड़ा, राम रगड़ा, राम नाम का कीर्तन करना सबसे तगड़ा काम है, साधारण लोग नहीं कर सकते। इस काम को हनुमान जी कर सकते, शिव जी कर सकते, हम लोग सोचे कि कदर नहीं करते, इसके लिए बड़ा तप चाहिए। नाम से ही ये सारा जगत को भोजन पानी मिलता है, तो काम करने से नहीं मिलता, नाम रखने से मिलता है। कोई महापुरुष इस पृथ्वी पर बैठ करके नाम रख रहा है, उसी के प्रताप से सबको अन्न न मिल रहा है। हमें तो ये हवा चल रहा है, हवा भी खूब जो भक्त भजन कर रहा है उसी के प्रताप से हवा चल रहा है, वर्षा हो रही है, काम करने से नहीं। भगवत रसिक जी तो कहते हैं अनहोनी नहीं हो कुछ, अनहोनी कुछ होता ही नहीं, आ होने वाला इसको कोई मिटा नहीं सकता, जो होने वाला है वही होगा, जो नहीं होने वाला है उसको कर नहीं सकता। देखो सीता दशरथे अति समर्थ कह दो, देखो सीता जी और दशरथ साधारण नहीं है, लेकिन राम जिसके 4 बेटे दशरथ को मरना पड़े और सीता जी को वनवास जाना पड़े, मन ये कहा गया कि स्वयं भगवान अनहोनी न अनहोनी नहीं हो कछु, होने मिटे न को। महाभारत में श्लोक है, एक श्लोक है, कहते हैं कि इस श्लोक को पढ़कर निश्चिंत हो जाओ, जो होने वाला है वही होगा,
जो नहीं होने वाला है उसको कोई कर नहीं सकता है, इसलिए निश्चिंत हो। अब तुम कुछ भी करो होगा ही, एक भक्तमाल में कथा है ज्ञानी नगर की। एक आदमी था गया, पूछा कि इस गांव का क्या नाम है, तो कहा ज्ञानी नगर। क्या होता है? तो देखा कि एक आदमी मिल करके दवा बना रहा था। पूछे कि दवा क्यों बना रहे? तो कहा कि आधा घंटा के बाद एक लड़का आएगा, इस पेड़ पर चढ़ेगा, गिर जाएगा, उसका पैर टूट जाएगा, उसके पहले ही हम लोग दवा बना रहे। अरे मूर्ख, तुम जानते हो कि ये लड़का इस पर पेड़ पर चढ़ेगा फिर गिरेगा, उसका दवा तो क्यों बना रहा है? उसको चढ़ने मत, तुम्हारा जिसको कोई रोक नहीं सकता, नॉन ही उसको होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। एक जगह गया तो लोग पानी इकट्ठा कर रहे थे, पूछे ये पानी क्यों इकट्ठा कर रहे हैं? तो एक घंटा के बाद इस घर में आग लगेगा तो बुझाने के लिए होगा। तू जानते हो तो क्या होने नहीं मरा, जिसको रोक नहीं सकता है वो तो होगा। उसके विषय पूछे तो देखो तुम भी कल इसी यहाँ थाने जेल में तुम जाओ, उसको कह के तो कहा इस थाने में चलो, उसके विपरीत तो चलने लगा। जाते जाते कहा इस थाने में जाना है, मैं बहुत दूर चला जाऊंगा, दो दिन में तो बहुत दूर चला जाऊंगा। तो जा जाते 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 बहुत दूर चला गया, थक गया। तो वहीं एक बैलगाड़ी आ रहा था, बैलगाड़ी जानते हैं आप? जी जी। तो बैलगाड़ी पर जा रहा था एक, उसका पति गाड़ी चला रहा था, उसकी पत्नी गाड़ी में थी। तो उसने कहा कि बाबा आप हमको रोक ले, अरे हमको चढ़ा ले। हाँ चढ़ा लें। तो उस आदमी को उसमें चढ़ा दिया और बैलगाड़ी उसी गांव में आ रहा था। जब नजदीक आ गया तो उसकी पत्नी मर गई, वो देखा कि हमारी पत्नी कोई आदमी मार दिया, फिर उस जेल में। तो अनहोनी नहीं होए कुछ, होनी बीते न को यह समझ करके निश्चिंत हो जाए। अरे हमारा जब जन्म हुआ तो उसके पहले ही प्रत्येक आदमी का जीवन सिनेमा के रील जैसे पहले ही फिक्स कर दिया गया है, लेकिन देखने वालों को पता नहीं अगले वाला अगले पोज क्या आएगा, कल क्या होने वाला है, पहले से फिक्स है। इसीलिए महात्मा लोग इस बात को ध्यान करके निश्चिंत हो जाते, अनहोनी नहीं हो कछु, अहोनी मिटे न को। देखो सीता दशरथ अति समर्थ तह दो, सीता जी दशरथ इसे को अति समर्थ तह दो, राम भरता वशिष्ठ गुरु, जिसके भरता स्वयं राम है, गुरु कौन है, वशिष्ठ जी है, फिर भी देखिए उनका वनवास। यही नहीं जदुवंशी को नाश भयो देखत परमेश्वर, साक्षात भगवान जब उनके आंख के सामने ही सब जदुवंशी मरे अपने अपने लड़कर। परीक्षित उर्व्याल मृतक पहिराए मौनी, परीक्षित साधारण व्यक्ति नहीं थे और मौनी के गले में जाकर के पहनाए थे सर पर। इसलिए भगवत इच्छा जान नहीं जावे अनहोनी, इसलिए सारा संसार पहले से भगवत इच्छा से चल रहा है, तुम बेकार परिश्रम क्यों कर रहे हो, निश्चिंत होकर के भगवान करो यह समझ करके तब। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. तुम कितना भी पापी हो, चिंता करने की बात है, अब मैं आ गया हूँ नाम के रूप में। हमारे मेरे नाम के आगे तुम्हारा पाप टिकेगा, निश्चिंत हो जाए। भगवान कहते हैं, अरे प्रियतम, मैं पापी के लिए ही मेरा नाम का अवतार हुआ है। असंयमी लोगों पर, काम क्रोध लोभ के लोभ के गुलामों के लिए ही मैं नाम रूप में अवतीर्ण हुआ है। तू कितना भी पापी, कितना भी विषय लोलुप क्यों न हो, तुझे कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं तेरे सारे पाप लेकर तुझे परमानंद सागर में डुबो दूंगा। तू केवल मुझे पकड़ रखने की चेष्टा कर, बस अपने जीव को एक सेकेंड के लिए भी बंद मत कर। मैंने तुमको आत्मसात करने के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बस तेरे अहम रोग शोक दुख ज्वाला अभाव कुछ भी नहीं रहेगी। चारों ओर आनंद की प्रचीर उठेगी, पृथ्वी फोड़ करके आनंद की धारा निकलेगी। तू जिस गांव में, जिस नगर में, जिस देश में रहेगा, वहां के नर नारी आनंद में प्लावित हो जाएंगे। मैं श्रद्धा आदि कुछ ही किसी की भी चाह नहीं करता। हमारे भंडार में श्रद्धा की कमी नहीं है। तू केवल एक ही काम कर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम।